फिर से स्वागत है मूवी लवर्स। आज हम दिल को छू लेने वाली और मजेदार दुनिया में मुन्ना भाई MBBS की ओर रुख करेंगे। चलिए जुड़ते हैं एक अद्भुत सफर में जिसमें एक प्यारा गैंगस्टर है जिसके पास सोने का दिल है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मुरली प्रसाद शर्मा, जिन्हें मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है। मुंबई के इस खौफनाक लेकिन प्यारे गैंगस्टर की जिंदगी में मजेदार और दिल को छू लेने वाले पल है। मुन्ना, जिसे करिश्माई संजय दत्त ने निभाया है, अपने भरोसेमंद साथी सर्किट, जिसे अद्भुत अरशद वारसी ने निभाया है, के साथ अपने वसूली गैंग चलाता है। वे दोनों मिलकर चुटकुले और हास्य से भरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया को उजागर करते हैं। मुन्ना की जिंदगी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब उसके माता पिता, जो सोचते हैं कि वह एक सफल डॉक्टर है, उससे मिलने मुंबई आते हैं। इस नकली डॉक्टर की हकीकत बनाए रखने के लिए मुन्ना और उसका गैंग उनके मुख्यालय को एक नकली क्लिनिक में बदल देते हैं, जिसमें मरीज और नर्सें भी होती है। मुन्ना के डॉक्टर बनने के हास्यप्रद प्रयास जारी रहते हैं, जहां वह अक्सर अजीब और असामान्य इलाज देता है। इस अराजकता के बावजूद मुन्ना की सच्ची देखभाल लोगों के लिए दिखती है, जिससे अस्पताल का स्टाफ और मरीज दोनों ही उसके दीवाने हो जाते हैं। अब मिलते हैं डॉक्टर अस्थाना से, जो एक सख्त और बिना मजाक के डीन है, जिन्हें बोमन ईरानी ने निभाया है। मुन्ना की सच्चाई से अनजान डॉक्टर अस्थाना अनजाने में मुन्ना के कारनामों के शिकार बनते हैं, जिससे कई मजेदार टकराव होते हैं। किस्मत के एक मोड़ में मुन्ना अपने माता पिता को प्रभावित करने और खुद को सुधारने के लिए एक असली मेडिकल डिग्री लेने का फैसला करता है। सर्किट और उसके गैंग की मदद से मुन्ना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब हो जाता है, जिससे डॉक्टर अस्थाना का गुस्सा बढ़ जाता है। मेडिकल स्कूल में मुन्ना का सफर हंसी और सीखों से भरा है। शवों का विच्छेदन करने से लेकर व्याख्यानों में भाग लेने तक मुन्ना की अनूठी विधियां और सड़क स्मार्ट बुद्धि अक्सर कठोर शैक्षिक माहौल से टकराती है। इस अराजकता के बीच मुन्ना अपने सहपाठियों के साथ गहरे बंधन बनाता है और उन्हें जीवन और चिकित्सा पर अपने अनूठे दृष्टिकोण से प्रेरित करता है। उसके शर्मीले और अंतर्मुखी दोस्त डॉक्टर रुस्तम पावरी, जिसे कुरुश देबू ने निभाया है, के साथ उसकी दोस्ती विशेष रूप से दिल को छू लेने वाली है। मुन्ना की यात्रा बिना रोमांस के अधूरी होती। यहां मिलती है डॉक्टर सुमन, जिसे ग्रेसी सिंह ने निभाया है। मुन्ना की प्रेमिका के रूप में सुमन की शुरुआती शंका उसके सच्चे करुणा और संकल्प को देखकर प्रशंसा में बदल जाती है। चिकित्सा के प्रति मुन्ना का अनूठा दृष्टिकोण मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। गानों से लेकर वार्ड में नाचने तक मुन्ना की संक्रामक सकारात्मकता और सहानुभूति चमत्कार करती है, जिससे हर किसी पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे मुन्ना नियम तोड़ता रहता है और जीवन छूता रहता है, सख्त डॉक्टर अस्थाना भी दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। मुन्ना की मानवता और दया की लगातार खोज धीरे धीरे डॉक्टर अस्थाना के कठोर बाहरी हिस्से को पिघलाती है। बेशक यह सफर बिना चुनौतियों के नहीं होता। मुन्ना को शैक्षिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर अस्थाना का विरोध और उसकी सच्चाई के उजागर होने का लगातार खतरा होता है। फिर भी उसका दृढ़ संकल्प और अडिग आत्मा उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे मुन्ना का सफर महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है, दाव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। क्या वह एक असली डॉक्टर बनने की अपनी खोज में सफल होगा? क्या वह डॉक्टर सुमन का दिल जीत सकेगा और डॉ अस्थाना का सम्मान प्राप्त कर सकेगा? क्लाइमेक्स में सभी उत्तर मिलेंगे। यह रहा मुन्ना भाई MBBS का हमारा रिकैप। अगर आपको यह सफर पसंद आया जिसमें हंसी, प्यार और जीवन की सीखें शामिल थी, तो पूरी फिल्म जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले हमारे और ऐसे ही रिकैप्स के लिए। अगली बार तक मुस्कुराते रहिए।